मरियम मरियम, वो मुझे नदीम के साथ एक जरूरी काम पे जाना है, तुम बच्चों को जरा देख लोगी प्लीज? वो सजीला बाजी, मैं तो खुद कहीं बाहर जा रही थी। हाँ तो एक घंटे की तो बात है, मैं होकर आ भी जाऊंगी जल्दी से। एक्चुअली अम्मी ने मुझे शॉपिंग के लिए बुलाया तो मैं उधर जा रही थी। अच्छा देखो आप ही गई नहीं है मोहल्ले में ना, और तुम्हें मुँह पे बना कर रही हो। ठीक है मैं इनको बना कर देती हूँ फोन करके। सजीला बाजी कोई बात नहीं, मैं रख लूंगी बच्चों को, आप जाइए। ऐसी कह रही हूँ या सच रख लोगी? नहीं नहीं आप जाए, आप आएंगे तो फिर मैं चले जाऊंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, बच्चों को अगर भूख लगे ना तो उनको कुछ खिला देना। उन्होंने एक्चुअली लंच बहुत ही जल्दी किया था और मामी के हाथ से खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। मैं बस जल्दी से आ जाऊंगी, ठीक है? खुश रहो। मरियम तुम क्या कर रही हो? तुमने तो घर नहीं जाना था। हाँ वो बच्चों को भूख लगी तो उनको खाना बना के देने लगी थी। लाओ मैं बना देती हूँ, तुम जाओ घर, 7 तो बज गए, लेट हो जाओगी। हाँ लेकिन सजीला बाजी भी नहीं है और अनिला आप भी गई नहीं है। अनिला आप इस तो अभी मेरी बात हुई है कॉल पे, वो तो आ रही हैं, और सजीला आप को तो काफ़ी देर होगी, मुझे लगता है वो तो आने वाली होंगी। लेकिन वो मरियम तुम तो बहुत डरती हो अपनी नंदू से। डरने की बात नहीं है नौशन, मैंने सजीला बाजी से वादा किया था कि मैं बच्चों को खाना दूंगी और उनका वेट करूंगी। अब तुम्हारे असूलों को तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं ना। तुम वाकई बच्चों को खाना दे दोगी मैं जाऊं? हाँ मरियम मैं देख लूंगी, तुम जाओ आराम से। थैंक यू सो मच नौशीन। हेलो। हाँ हया कहाँ हो तुम लोग? प्लीज़ मुझे ज़रा लोकेशन भेज दो, आके बताती हूँ ना। ओके ओके बाय। आप आगे से ना राइट टर्न ले लीजिएगा। माँ जी हाँ। ये देखें अंगूठी कैसी लग रही है? बहुत प्यारी है, अल्लाह बहन ना मुबारक करे। मरियम क्या बात है बेटा, सब खैरियत है ना? परेशान लग रही हो तुम। जी दादू सब ठीक है, मैं बस ये सोच रही थी कि काफी देर हो गई है, मैं अब घर चले जाऊं क्योंकि सत्यन भी घर आ गए होंगे। अरे तो सत्यन को फोन करके यही बुला लो ना, रात का खाना यही खा ले, बल्कि तुम आज यही रुक जाओ रात को। नहीं नहीं आज मुश्किल है, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी ना। मरियम बेटा एक बात बताओ, अनिला या सप्तैन ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? मैं वैसे अनिला से बात करने का सोच रही थी। नहीं अम्मी किसी ने भी कुछ नहीं कहा, अनिला आपी ने भी कुछ नहीं कहा, बस वो लोग थोड़े मुख्तलिफ है फिर अच्छी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ऐसे मौके पर बातें सुनाने से बाज नहीं आते। सही कह रही हैं आप दादो, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है। हाँ बाकी आप सबकी तैयारी तो हो गई है ना? मैं भी सुबह टाइम से आ जाऊंगी, यहीं आके तैयार होंगी मैं भी।
मरियम आसने प्लीज मरियम मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे माफी नहीं मांग मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जानता हूं तुम्हारा करना बनता भी नहीं है, लेकिन एक बार कर आसिफ है मरियम प्लीज और कुछ मत कहना। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कई घटिया बातें की हैं, पागल हो गया था मैं, समझ नहीं आ रहा था कि अपने गुस्से पर काबू कैसे पाऊं। तुम शायद नहीं समझ सकती कि ठुकराए जाने का दुख क्या होता है, जब आपको अपना नाम मिले तो कैसा फील होता है। मुझे देर हो रही है, मैं छोड़ नहीं ड्राइवर है, मैं चली जाऊं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे माफ कर दे। जी मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन प्लीज इस बात का ख्याल रहे कि आइंदा ये सब ना हो, ये मेरी आपको लास्ट वार्निंग। आप भी अच्छा नहीं किया मरियम ने मेरे साथ, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की थी मैंने, चली गई ना लेकिन। हाँ मगर तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे देखो आराम से घर पे बैठती हूँ, आपके बच्चे नहीं है आपको क्या पता? हाँ तो मुझे पता है, और ये हर वक्त क्यों ताना देती हूँ? 3 बच्चे पाले मैंने, आप भूलने कब देती हैं? आपकी कुर्बानियां, आपका हमें बच्चों की तरह पालना, बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस वक्त आपकी बात नहीं हो रही है, इस वक्त बात मेरी, मेरे बच्चों की और मरियम की हो रही है। क्या बहस हो रही है, क्यों गुस्सा कर रही है? कुछ नहीं मेरे भाई, तुम्हारी बीवी की बात कर रहे हैं, जिसकी नजर में मेरी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं। बताओ क्या किया मरियम ने? रहने दो ना सजीला, मरियम ने आखिर इतनी बड़ी बात नहीं की। मुझे पता तो चले, हुआ क्या है? आओ बैठो मैं बताती हूँ। भाई इस हफ्ते वो मरियम ने अपनी अम्मी और बहन के साथ शॉपिंग पे जाना था तो। जी बताया था उसने मुझे। हाँ तो अच्छी बात है, बताना चाहिए शौहर को, लेकिन सिप्ते सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती ना, 2 खानदानों की होती है। तो वो सजीला से कुछ कमिट कर दिया, यहाँ पर देखो इसकी कोई पाबंदी नहीं है, हम कुछ नहीं उसे काम करवाते, लेकिन अगर उसे जबान दे दी कोई बात करने की या कोई काम करने की, तो फिर उसके बाद बिन बताए चली गई।